हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आज आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने एक फ्रिज परचेस किया है। तो मैं उसकी सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगी, मेरे हस्बैंड आज आपको देने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मार्च का महीना शुरू हो चुका है और गर्मियों ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। तो काफ़ी लोग जो है रेफ्रिजरेटर के बारे में सर्च कर रहे होंगे या फिर उनको लेना होगा, तो हमने भी एक रेफ्रिजरेटर लिया है। तो देखते हैं क्या है उसकी स्पेसिफिकेशन, और जब आप नए रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं वीडियो। सैमसंग का न्यू ब्रांड 5 स्टार 198 लीटर का रेफ्रिजरेटर, जो कि स्मॉल फैमिली के लिए बहुत बेस्ट सूटेबल रहने वाला है। तो पहले तो इसकी लुक देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त लुक के साथ दे रखा है। और इसमें एक देखिए हैंडल बार है जो क्रोम फिनिश के साथ आता है, क्रोम फिनिश के, जो कि अलग ही लुक प्रोवाइड कर रहा है इसमें। इसमें दो या तीन कलर वेरियंट हैं, जिसमें एक ब्लू था जो कि मुझे काफ़ी पसंद था, लेकिन वो मार्केट में मिल नहीं पाया, अवेलेबल नहीं था वो। तो खैर, ये भी बहुत प्यारा कलर है, बहुत यूनिक कलर है। तो देखते हैं इसके, सबसे पहले जब भी रेफ्रिजरेटर देखा जाता है तो सबसे पहले उसकी एनर्जी कंजप्शन देखा जाता है कि कितना एनर्जी कंजप्शन ये करेगा। तो ये है फाइव स्टार में देखेंगे आपकी 5 स्टार रेटिंग तो है, लेकिन ये कौन से पीरियड की लेवलिंग है? तो ये करंट पीरियड की है, जैसे लेवल पीरियड है 1 जनवरी 2022 31 दिसंबर 2021। तो ये लेटेस्ट का है। एक मेरा फ्रेंड था जिसने अभी रेफ्रिजरेटर लिया था, लेकिन उसका 5 स्टार था, लेकिन उसकी जो लेवलिंग थी वो 2018-2019 की थी, ठीक है, जबकि वो आज की डेट में या तो 3 स्टार हो गया होगा या 4 स्टार हो गया होगा, क्योंकि ये लेवल जो है हर साल या हर 2 साल में चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यही है कि जब भी आप 5 स्टार कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें आप टाइम लेवल पीरियड ज़रूर देखिए कि लेवल पीरियड करंट टाइम का है या नहीं है, ठीक है। तो ये 198 लीटर का है सैमसंग का, और ये इसका मॉडल नंबर है। अब इसकी एनर्जी कंजप्शन देखिए, एनर्जी कंजप्शन तो यूनिट्स जो है 104 यूनिट लेगा एक साल में, और एक साल में ये कम ज़्यादा भी होती है, वो है आपके यूज़ के ऊपर कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको स्टैंडर्ड तरीके से यूज़ कर रहे हैं तब जाके ये 104 या इससे कम भी ले सकता है, वो आपके यूज़ के ऊपर है, लेकिन एक स्टैंडर्ड के तौर पे यहाँ पे 104 दे रखा है। अब वो कैसे 104 कम ज़्यादा होगा वो मैं आपको आगे बताऊँ। इस फ्रिज में आपको 10 ईयर वारंटी मिली है ऑन द कंप्रेसर, जो कि लगभग लगभग सभी रेफ्रिजरेटर में मिल जाती है। अब इसमें एक टर्म यूज़ हुआ है, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, देखिए जो हमारे पुराने रेफ्रिजरेटर आते थे उसमें क्या होता था कि हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑन ऑफ होता रहता था, यानी कि जब आपकी कूलिंग का लेवल पूरा हो जाता था तो उसके बाद वो ऑफ हो जाता था, जैसे ही उसमें अंदर कूलिंग कम होती थी तो कंप्रेसर ऑन हो जाता था। तो जब कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, तो जब ऑन होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा करंट लेता है, जिससे हमारे क्या है जो एनर्जी कंजप्शन है वो बढ़ जाता है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है कि कंप्रेसर ऑफ मोड में नहीं जाता है, इसमें ऑन मोड में रहता है, केवल कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। जब आपको कूलिंग ज़्यादा चाहिए तो वो स्पीड को बड़ा ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है, और जब आपका कूलिंग एक डिज़ायर लेवल तक चले जाता है तब वो उसको कंप्रेसर की स्पीड को स्लो कर देता है, ताकि वो उसकी कूलिंग मेंटेन रहे, ठीक है। अब इसमें दूसरा रखा है कि कनेक्ट इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर। अब इन्वर्टर पे भी आप इस फ्रिज को चला सकते हो। क्यों चला सकते हो? क्योंकि इसका एनर्जी जो एनर्जी है 2 CFL बल्ब्स है, यानी कि 2 CFL के बल्ब के बराबर इसकी एनर्जी कंजप्शन है, ठीक है। अब इसका अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से इसका 46 वाट इसका एनर्जी कंजप्शन है, 46 वाट, जो कि बहुत ही मतलब बहुत सफिशियंट है, बहुत अच्छा है इसका एनर्जी कंजप्शन है 2 CFL बल्ब्स के बराबर, 46 वाट के समथिंग जब ये मैक्सिमम जाता है, ठीक है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, अब इसमें स्टेबलाइजर इनबिल्ड आते हैं, अब तो सभी फ्रिजों में आते हैं 100 वोल्ट से 300 वोल्ट, तो अलग से आपको लगाने की उसकी। देखिए, इसके साथ एक मैनुअल मिलता है जिसमें डू एंड डोंट्स उसको मेंशन रहता है, तो इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए कि आपको अपने फ्रिज में क्या क्या रखना चाहिए। देखिए, इंस्टॉलेशन का है,
जब भी आप मार्केट से या फिर ऑनलाइन परचेस करते हैं तो कम से कम 4 घंटे उसको ऑफ मोड में ही रखिए, ऑन मत करिए उसको, ठीक है ना, क्योंकि उसकी गैस जो है वो स्टेबल होने में टाइम लेती है, ठीक है। तो इसमें देख ये देखिए ट्रे भी यूज़ नहीं करनी है, पहले मैं भी सोच रहा था लेने की, तो देख इसमें हमारे साफ तौर से मना कर रखा है कि इसमें स्टैंड का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि जो नॉब है, अगर आप इसको डीप फ्रीज को वीक में 2 बार यानी कि हफ्ते में 2 बार आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए आपको ये दिखा रहा है नॉब सेटिंग्स, कौन से सीज़न में कौन सी करनी है, तभी आप इसको जिसका बेस्ट एनर्जी लेवल है उसको अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो यूजर्स के बारे में बता रखा है अच्छा इसमें, या आप मैनुअल ज़रूर पढ़ना, ठीक है, बहुत इसमें अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। अब इसमें एक चीज़ बताई गई है कि इसके ऊपर इसको कवर करके नहीं रखना है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि नया फ्रिज लाया उसके ऊपर कवर डाल देते हैं, तो इसके ऊपर कवर नहीं डालना है, क्योंकि इसमें ऐसा मेंशन है, इसके जो इसका मैनुअल है इसमें दिखा रखा है कि यहाँ से हीट इसके जो है डिसिपेट होती रहती है, ठीक है। अगर वो हीट डिसिपेट नहीं होगी तो इसकी कूलिंग इफ़िशियंसी पे असर पड़ेगा, कूलिंग इफ़िशियंसी पे असर पड़ेगा तो इसके एनर्जी एफिशियंसी पे भी ज़रूर असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ओपन ही रखना है, ठीक है, इस साइड को भी ओपन रखना है, क्योंकि ये थोड़ा हीट करते हैं, ठीक है, हीट को डिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी भी ये गर्म हो रखा है, तो ये हीट को डिसिपेट कर रहा है, तो हीट को डिसिपेट करने के लिए अगर आप पर्दे वगैरह लगा दोगे तो वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा, जिससे इसकी कूलिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो एक वॉक अराउंड देख लेते हैं इसका, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। तो गाइस ये था हमारा सैमसंग का 5-star 198 लीटर का रेफ्रिजरेटर, जो कि मैंने ऑफलाइन ही मार्केट से ख़रीदा है। पहले मैं इसे ऑनलाइन खरीदने वाला था, लेकिन मेरी EMI नहीं हो पाई उसमें, तो फिर मैंने ऑफलाइन ही ख़रीदा इसको, और बजाज फाइनेंस से मैंने ये करवाया है। तो उसकी प्रोसेस क्या है वो मैं किसी एक दिन सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप ऑनलाइन कैसे बजाज फाइनेंस में जो है EMI ले सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे ऑफलाइन जो है ये 18.5 का पड़ा है, जबकि ऑनलाइन में ये 17,600 का पड़ रहा था, ठीक है, 5-star। तो 18.5 का पड़ा है, कोई बात नहीं, तो अच्छा है, तुरंत मिल गया, डिलीवरी बेस्ट थी। और एक बार इसको ज़रूर देखना अगर आप सर्च कर रहे हैं 198 लीटर में। हेलो गाइस, मैं वापस आ गई दोबारा वीडियो में। तो गाइस आपको इस फ्रिज की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, मेरे हस्बैंड ने दे दी होगी, और मैंने आज फ्रिज के साथ अपने हस्बैंड की भी अनबॉक्सिंग कर ही दी है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको इसकी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो अच्छी यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो लोगों को एक अच्छे फ्रिज की ज़रूरत होगी, तो उनकी हेल्प कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।